सोयाबीन की फसल में इल्ली लगने से बचाव को लेकर कृषि विभाग ने किसान भाइयों को जारी की सलाह। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास आरपीएस नायक ने जानकारी दी कि जिले में इस वर्ष बोनी की तिथियों में भिन्नता देखी गई है। कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल 25 से 30 दिन, कुछ क्षेत्रों में 15 से 20 दिन की हो गई है। इस परिस्थिति में सोयाबीन उत्पादक किसानों को भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर की अनुशंसा के आधार पर कृषि विभाग द्वारा जिले के किसानों को निम्नानुसार सलाह दी गई है कि लगातार वर्षा होने की स्थिति में अपने खेत से अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें, अपने खेत की नियमित निगरानी करें एवं 3 से 4 जगह के पौधों को हिलाकर सुनिश्चित करें कि क्या आपके खेत में किसी इल्ली या कीट का प्रकोप हुआ है या नहीं, और यदि है तो कीड़ों की अवस्था क्या है, उनके नियंत्रण के उपाय अपनाएं। पीला मोजेक रोग से सुरक्षा हेतु रोगवाहक कीट सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए अपने खेत में विभिन्न स्थानों पर पीला स्टिकी ट्रैप लगाएं। तना मक्खी के नियंत्रण हेतु सलाह है कि पूर्व मिश्रित कीटनाशक थायोमिथोक्सम 12.60% प्लस लेमडा साइहेलोथ्रीन 9.50% प्लस जेड सी 125 मिली प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में पक्षियों की बैठने हेतु टी आकार के बर्ड परचेस लगाएं, इससे कीट भक्षी पक्षियों द्वारा भी इल्लियों की संख्या कम करने में सहायता मिलती है। किसी भी प्रकार का कृषि आदान क्रय करते समय दुकानदार से हमेशा पक्का बिल लें जिस पर बेच नंबर एवं एक्सपायरी दिनांक स्पष्ट लिखा हो। सोयाबीन का जैविक उत्पादन लेने वाले किसान कृपया पत्ती जैविक सोयाबीन का जैविक उत्पादन लेने वाले किसान कृपया पत्ती खाने वाली इल्लियों से फसल की सुरक्षा एवं प्रारंभिक अवस्था में रोकथाम हेतु सोयाबीन फसल में तंबाकू की इल्ली एवं चने की इल्लियों के प्रबंधन हेतु बाजार में उपलब्ध किट विशेष फेरोमोन ट्रैप या प्रकाश प्रपंच लगाएं। जहां पर फसल 15 से 20 दिन की हो गई हो, पत्ती खाने वाले कीटों से सुरक्षा हेतु फूल आने से पहले ही सोयाबीन फसल में क्लोर इंट्रा नीलीप्रोल 18.5 SC 150 मिली प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। बाइट आरपीएस नायक, उप संचालक कृषि। हमने निरीक्षण किया है कि किसान भाइयों की बहुत अच्छी अवस्था में फसल है। कुछ किसान भाइयों की जो बुआई है वो लगभग जो है 14-15 जून को भी बुआई की थी, और कुछ किसान भाइयों ने जो बाद में पानी गिरा है वहाँ पे 25-26 जून को भी बुआई हुई है। तो अभी तक ओवरऑल हमारे ज़िले की फसलें बहुत अच्छी हैं। मेरा इस अवसर पर हमारे किसान भाइयों से यह कहना है कि हमारे किसान भाई निरंतर फसलों का निरीक्षण करते रहें और 1 मीटर रो लेंथ में 1 मीटर कतार में दोनों तरफ से पौधे झड़ा कर देख लें। यदि 3 इल्ली से ज़्यादा दिखती हो तो हमारे किसान भाई फिर दवाई की दुकान से दवाई लेकर प्रॉपर दवाई लेकर उसका छिड़काव करें। दवाई जहाँ से भी लें पंजीकृत डीलर से लें और उसका पक्का बिल अवश्य लें। अभी जो है हमारे किसान भाइयों को जैसे ही मौसम में थोड़ी सी खुलेगा मौसम तो सोयाबीन में हरी इल्ली का प्रकोप काफ़ी मात्रा में होता है, जो पूरे पत्ते खा जाती है और फूल अवस्था पे फूलों को भी खा जाती है, जिससे बांझपन की समस्या पैदा हो जाती है। इस तरह की समस्या ना हो तो हमारे किसान भाई निरंतर निगरानी रखें अपनी फसलों की, और इस तरह की स्थिति यदि दिखती है तो उसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई हमारे नज़दीकी जो कृषि अधिकारी हैं, विकासखंड कार्यालय है, उप संचालक कृषि कार्यालय है इसमें, और वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र भी हमारे। फिलहाल इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।